हटो बेटा हटो हटो हटो, मम्मी को माटी देना है और मार्गल बनका के माटी देने का मतलब आप बोले कि मट्टी दो तो मैं बोला मम्मी को मिट्टी। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली हम लोग सारा निपटा दिए काम को। फ्रेंड्स अभी देखो मानसी कह रही कदम तोड़ने के लिए। दोस्तों मैं मिथुन और आप सभी का स्वागत है एक और न्यू प्यारा सा व्लॉग में। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग हम करीब दिन में करीब 2:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं और अभी क्या हुआ कि मानसी ना बारिश हल्का हल्का आ रहा है तो मानसी जाकर गाड़ी पहुंच रही थी, कह रही थी ओ ओ गाड़ी भीग गया। और हमारा अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बहुत, अभी टेबलेट लाया था तो टेबलेट अभी काजल खाई है, शरीर में दर्द है। आज के ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है, आप लोग ब्लॉग के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट काम को अपना स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग काटे थे ना इसको बकरी, देखो कैसे चल रही है। और हम लोग इसको सोच रहे हैं क्या किया जाए, फरहरी लगा दिया जाए। हाँ, जगह जगह हला देंगे, इसमें फरहरी लगेगा। और चलिए काटे भी आजी बांधते हैं, आंगन को बनाएंगे। आंगन भी बनाना है बट खर अभी तो मिला ही नहीं। खर इतना सार बता है किसी ने से लेके पैसा हाँ। देके ये देखो बकरियां बच्चे ना चिचोर बिन रहे। हम ना इसका रेसिपी देते, रोटी बनाते, इसका रोटी बहुत टेस्टी होता है। चिचोर की रोटी? हाँ बहुत टेस्टी होता है, मीठा लगता है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसको धो के और छील के बनाया जाता है, अंदर उज्जर रहता है, बहुत टेस्टी इसका लगता है रोटी। तो जाओ बिन के लिखाओ। इतना सारा तो हो जाता है, इतना इतना बच्चे बिना करके बना देते, लेकिन उतना टाइम नहीं है, टाइम लगता है, थोड़ा धूप की भी जरूरत होती है। तो चलिए यही को सब करते हैं। ये बहुत ज्यादा काम है इसको सबको, इसमें मिट्टी खोन के हलाना है, खेत में होता है, जमीन के अंदर। मानसी इधर आओ, इधर आओ, इधर। और वो भी जाके कूद रहे हैं, कुछ समझ वो भी सोच रहे हैं क्या बीन रहे हैं ये लोग, है ना। हाँ। आओ इधर आओ, तो बीन लो, उसमें से बीन लो, जाओ। चलिए फटाफट से ये सारा काम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, है ना। चलो काजल उठाओ। तो फ्रेंड चलिए मानसी के पापा अभी इसको यहाँ पर खोना ना, एक यहाँ उतना दूर दूर उतना सारा। देखो देखो क्या बेटा, आओ। ये तो इतना डरती है मिट्टी में आने से, दी हम खोनते हैं तो समझ में नहीं आता। नजदीक नजदीक लगाओ तब तो ये जाएगा, उतना दूर कैसे जाएगा ये? हम लगाओ थे, देखो दोस्तों ऐसे मेरा बात नहीं मानते हैं। ये मतलब कैसा लग रहा है कि हाँ है लंदन के आओ मेरे पलानी बनवा रही तो फ्रेंड अभी मानसी पापा खोद रहे हैं इनको, अब समझ में आया कि हाँ ठीक बोल रहे हैं। हाला ना कर लो बाबू, तो चलिए इसमें से, अरे मैं हूँ पीछे देख ले, इसमें से हम खींच के लाते हैं ये वाला डंठल को वहाँ बैठाएंगे इसको, और इसको इसी दोनों को वहां रखेंगे। हो गया, अभी इतना सारा है, सारे को खोद खोद के लगा लेते, बस रह दे, रह दे। हाँ एक दो गो ऐसे कर लेवे के। तो फ्रेंड्स अभी इसको इतना ही खोदे, छोटा छोटा लगा रही, इधर बड़ा लगाओ ना, ये खाल में है बड़ा वाला, चलो खींच के लाते हैं। मानसी यहाँ आपका काम नहीं, आप जाओ, हटो हटो हटो, इधर आओ इधर आओ, हो तो अभी काजल खींच रही है। चलो 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 चलो, या देखो ये ऐसे ऐसे लगा देंगे। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बाकी आप लोग देखना काजल का आइडिया है। अच्छा यहाँ तक सब्जी चल के आ जाएगा? हाँ वहाँ तक चल के चला जाए, उधर सब चल रहा है। अच्छा अच्छा, उठा 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 के इधर रख देंगे तो इधर ही चलेगा ना, जहाँ उसको रास्ता मोड़ेंगे वहां जाएगा। हाँ, जाए। अब आया समझ में। हटो बेटा हटो हटो हटो, मम्मी को माटी देना है और मार्गल बनका के माटी देने का मतलब आप बोले कि मट्टी दो तो मैं बोला मम्मी को मिट्टी। सॉरी कह रही है मार्गल बनका के मिट्टी दे रखे। हटो बेटा मानसी, हटो हटो हटो। तो फ्रेंड देख सकते हैं एक हला दिया है और एक को खोद रहे मानसी को हलाने के लिए, बस रह दे, रह दे होगा, रह दे। सॉरी कुरवा खोनते नहीं, हम हला रहे, कोई होता तो ना वीडियो दिखाता, लेकिन कौन है? मिट्टी है बेटा। हाँ मिट्टी कह रहे मम्मी, कौन है? मिट्टी। और इस पर हम ढेर सारा सब्जी उगाएंगे, है ना, साग। और कहाँ खोदना? लाइन से ही हटेगा तभी ना।
और बैग तक ले जाना पड़ेगा, इतना सारा लकड़ी है। चलिए आप लोग देखते रहिए। अब हमारा इस पे फरेंगे सब्जी, है ना, करेला तो भी लगाना है और बहुत सारा सब्जी लगाना है। वाला तो बकरी सब खा गई, इसलिए इसको सेफ्टी से करेंगे। तो इस पे फरेगा कैसे, इसका तो ऊपर डाल है ही नहीं। डाल रहेगा नहीं, अभी डाला जाएगा। डाला जाएगा, ऊपर से बांधोगे क्या कुछ? इसमें रसरी बांध देंगे ना। अच्छा, कदल को सब आइडिया है। बेटा इधर आओ, कोठा सुर का तारी। आओ इधर, आपको एक काम दे रहा हूँ, आओ। कौन से देम ढेपा? ढेपा आके मिट्टी डालो इसमें, आओ। तो उधर मिट्टी क्यों डाल रही हो, देख रहे हो कितना परेशान कर रही है। अब यहाँ एक खोदना। कौन? हेलो, तो फ्रेंड्स अभी इतना सारा हम लोगों ने हला दिया है। इधर काजल अभी लेके हला रही है, इधर बिना खोदे कैसे हल जाएगा? हल जाएगा, ये तो इसमें नोखी है ना। इस पे इधर से पूरा फरेगा इस पे हमारा सब्जी, तो सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और सर लगाएंगे, बहुत सारे अभी और सब्जियाँ लगाएंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स। अभी देखो मानसी कह रही है कदम तोड़ने के लिए, कदम कैसे तोड़ेगा भाई, काजल एक पकड़ खड़ी थी और इतना सारा हला दिया देखो वहाँ तक। अब इधर भी हला देते हैं सारा। तो फ्रेंड्स अभी मानसी जोनी जोनी पढ़ा रही थी मम्मी को, ओपन योर माउथ। और हम लोग वहाँ तक लगा दिए हैं, अभी और एक हलाना है बाकी। इधर हो गया, यहाँ से पूरा इस पे क्या होगा कि अब सब्जी के लिए सही रहेगा ये, है ना कजल। ये वाला उधर ही रख दो, एक ये वाला हलाते हैं मोटा वाला, है ना मानसी। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली हम लोग सारा निपटा दिए काम को, देखो वहाँ रोड से लेके यहाँ तक पूरा हला दिए हैं, और इधर भी हला देंगे पूरा घर तक के, उधर ही वाला पेड़ को झरवा के, है ना। हाँ, और ये बांस हम लोग उधर से उठा के अपना इधर रख लिए थे ऊपर में, इसका भी डर ही है। बाकी आइए दिखाते हैं आपको, मुझे नहीं लग रहा कि ये आंधी रोक पाएगा। रोक लेगा है, कुदाल चलाए ना काफी नीचे नीचे। चलो देखते हैं, और इस पे अब हमारा सब्जी उगेगा, है ना, तो खाएं तोड़ ले वो हाथ से तोड़ के। सोचोगे अपना मतलब कि बोया हुआ सब्जी हाथ से तोड़ के ताजा सब्जी खाने में कितना मजा आएगा ना। भिंडी भी लगाएंगे ऊपर में, पालक भी लगाएंगे, गेंदी भी लगाएंगे, सरसों भी लगाएंगे, लहसुन भी लगाएंगे, मकई भी लगाएंगे, पुदीना लगा था, धनिया लगा था, धनिया लगाएंगे और सनेल लगाएंगे, इतना सब। बाप रे, फिर तो मेरे को दुकान करना पड़ेगा। पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा टाइप का था, तो काजल देखो जाके बराबर करिए और मेरे को डांट सुना रही, अरे वाह इतना चोर आदमी है, ये इतना सारा मिट्टी बराबर कर लोगे? कर नहीं लेंगे दोस्तों, करने से क्या नहीं होगा, करने से पूरा कायनात आपका साथ देगा। अरे भाई साहब क्या डायलॉग है भाई, यार इस पर भिंडी उगा देंगे दोस्तों बराबर करके, पालक उगा देंगे। हाँ तो रहे दा, हम कर दें, छोड़ दा, सासु घर करेंगे दोनों लोग मिल के तो हो जाएगा। छोड़ दो छोड़ दो, हम कर देंगे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। आओ आओ, माटी बैठा थोड़ी है जन्म, जुगी मिट्टी थोड़ी है, तो भरवाए दो चार, दो चार महीने हुए, एक डेढ़ महीने हुआ, रहने दो मैं कर दूंगा। हाँ क्या ये बताओ, ये कहाँ गए थे? तो पूछो, आप लोग बताइए कौन है, पूछ लो पूछ लो। जी हाँ, क्या हुआ, गिल गया? मानसी अपना पैंट रखे थे यहाँ पे, वही लेके और ये खिलौना लेके उसी टाइम से इतना खेले यहाँ पे, क्या है कौन है बताओ कौन है? तो अभी शाम हो गया है और हम लोग बस बाहर बैठ के खेल रहे हैं, सोच रहे हैं क्या बनाए, और पुतुल वहां से देख रही है कि मैं बताऊं उसको क्या बनाऊंगी। क्या बनाओगी? ओके तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और ये नेक्स्ट डे, और अभी देखो काजल क्या बना रही है। कढ़ी बना रही हूँ, चावल और भुजिया। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, कढ़ी चावल बहुत ही बेस्ट लगता है मेरे को, तो आपको थोड़ा सा रेसिपी दिखाने वाली है काजल, तो आप लोग इस ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। अभी बेसन को चलनी से चाल लिया गया है, और इधर आलू रेडी कर लिया। कढ़ी में आलू क्या होगा भाई,
अब भाई ये तो मेरे समझ से भी बाहर है। चलिए आपको दिखाते हैं ये आलू क्या करे कढ़ी में। तो फ्रेंड अभी बड़ी हम बना रहे हैं, इसमें खाली नमक और हल्दी डाले और तेल में ताल रहे हैं। देखो छोटा छोटा कढ़ी में डाल रहे। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते खाली में सूखा मिर्च और लहसुन का फोरन ली हूँ। हाँ बेटा चीनी चाय बनेगा। और इधर आलू में सारे आलू को गोल गोल ऐसे ही छील के काटी हूँ और इसको खाली मैं इसमें नमक डालूंगी बस और कुछ नहीं। बहुत टेस्टी होता है भुजिया आलू का। और इधर मैं सारा बॉडी बना ली हूँ और कढ़ी इधर अब रेडी करूंगी। कौन है? आलू है, चीनी आ गया तो अब चाय बनेगा। कौन है? चीनी है, हाँ कैंडी है। तो चलिए इसको धो के डाल लेते हैं इसमें, ये पक जाता है तो अच्छा से। देख सकते हैं हमारा भुजिया काफी टेस्टी खुशबू दे रहा है। इसको चलाते हैं, देखो चलाना भूल गए थे इधर ना, फोरन रेडी करने लगे कढ़ी के लिए। क्या बच्चा, और एकदम ये गल गया है, इसको थोड़ा हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड यहाँ पर ना मैं भुजिया निकाल ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इधर मैं फोरन डाल दूँ, इसमें ना जीरा नहीं डाली, जीरा नहीं था मेरे पास अभी, बाकी ऐसे प्याज मिर्च लहसुन डाल दूँ। और इसमें मैं कुछ मिक्स नहीं की, खाली हल्दी और नमक, पानी और बेसन। तो फ्रेंड इसमें सारा कुछ मैं डाल के रेडी कर ली हूँ, दही वगैरह नहीं डाली, वैसे मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो हम बड़ी को सारे डाल देते हैं, एक अपने से छटक के चला गया अभी। तो फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं खाना खाने और देखो हमारा कढ़ी कितना टेस्टी हो गया। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था तो मानसिक पापा लाइट बनाने लगे, तो इसलिए ठंडा होने ही वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट खाना निकाल के खाते हैं। क्या बेटा? तो फ्रेंड्स आप सबका एक और सवाल आ रहा था बहुत ज़्यादा, हम सोचे लास्ट में बताते चले, ये YouTube उल्टा क्यों लिखवा है। तो ये उल्टा नहीं है, फ्रंट कैमरे से उल्टा दिख रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी लगाना है, तो सारा बराबर करना है, टाटी वगैरह बांधने है, बहुत सारा काम है, तो इसलिए ये ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को चलिए लाइक कर दीजिएगा, अभी तक वीडियो को देखे उसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।